तो अभी का वेदर दिखाया ना, क्लाउडी है, बट जो भी आयरन गर्डर लगा हुआ था ना नीचे था अपना रांची का वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स। ओए होए, हाँ मैक्सिमम के देखो यहाँ पे भी पिलर्स हो गया था। ओहो, ये ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे है अभी। इधर से गाड़ी लेके आ रहा है यार, क्यों? अरे इधर का आदमी कैसे जाएगा यार, सिर्फ पिलर्स, लाइन से लाइन वहां तक सिर्फ पिलर्स। अभी हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, वो पता चल ही रहा होगा। यहाँ पर ढलाई के लिए समझो आई गेस रेडी कर रहा है ये सबको। अभी ठोक देते हैं उसको। और अभी हम लोग यहाँ पर नाली बनने का काम हो रहा है। तो अभी का वेदर दिखाया ना, क्लाउडी है, बट अभी मैं जा रहा हूँ रातू रोड से पिस्का मोड़ तक का क्या सिचुएशन है फ्लाईओवर का, उसको देखने, शेयर करने। और कांटा डोली का जो अभी फाइनल प्रोग्रेस चल रहा है उसका आई बटन यहाँ पे लिंक है, डू चेक इट आउट। अब डायरेक्ट मोटर व्लॉगिंग सेटअप में बोलते हैं। वेल, न्यूक्लियस मॉल कांके रोड का ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट एक मुझे इम्पॉर्टेंट बात पता चला है कि यहाँ पे जो पास हुआ था ना अपना कांके रोड में फ्लाईओवर बनने का, वो फिलहाल के लिए अभी पोस्टपोन किया हुआ है। एंड मेजर जो काम होगा वो होगा हरमू बाईपास के लिए, वहाँ पे एक फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से जज कॉलोनी से स्टार्ट होके प्रेजेंट जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके ऊपर से होते हुए डायरेक्ट हमको लगता है सहजानंद चौक तक जाएगा वो फ्लाईओवर। लेट्स सी कैसा होता है। तो ये रहा, पहुंच गए रातू रोड पुराना बस स्टैंड। ओ बहुत सारा ये हो गया, लग गया आयरन गर्डर। चलिए, अच्छा तो ये सिचुएशन है, ऐसा ही है, जो भी आयरन गर्डर लगा हुआ था ना नीचे था वो चढ़ गया, ये वाला अभी तक यहाँ पे ये कहाँ लगेगा आई डोंट नो। वाओ, बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा इधर दिख रहे हो ना आयरन बीम सब है कुछ कुछ, ये क्रॉस दो बीम को जोड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये सब है। हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अच्छा यहाँ पे भी लग गया ऊपर आयरन गर्डर्स, ये प्रॉपर क्या बोले इसको, रातू रोड चौक। अरे यार, और ये चीज़ बढ़िया होगा, यहाँ पे जाली दे दिया ताकि कुछ गिरे तो कोई इशू नहीं हो। और इसका लुक कुछ ऐसा। तो बस अब चला जाए पिलर 11 के पास से, और सब जगह यहाँ पे आयरन गर्डर्स रखा हुआ है नीचे, ये ऊपर चढ़ेगा। वाओ, और यस, अब सबसे बड़ा चीज़ अपना रांची का वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स, या सबसे बड़ा मॉल, मॉल ऑफ रांची, इसका यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, डू चेक इट आउट। अमेजिंग लगा मुझे। और क्या है ना, यहाँ पे कुछ कुछ पिलर्स के ऊपर काम चल रहा है, दिख रहा है ना ऊपर, वहाँ पे वो काम कर रहा है। सही है। एक चीज़ रातू रोड में क्या हुआ ना, मैक्सिमम जितना भी पिलर्स है ये खड़ा हो गया विद ये जो पियर है ये भी लग गया, अब बस ऊपर आयरन गर्डर जो है ना उसको लगाने का बस देरी है जो यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक बार लग गया तो फिर कोई इशू नहीं, वीक डेज में आने पे रातू रोड पे यही चीज़ होता है, काफ़ी जैम रहता है, और जैम से ज़्यादा हो जाता है इशू मौसम, दिख रहा है ना मौसम के तो क्या कहने। और हल्का फुल्का एकदम लाइट ड्रिजल हो रहा है, बस ज़्यादा तेज़ ना हो यार। ओए होए, बस ओ ये खुला खुला दिख रहा है। हाँ मैक्सिमम हो गया, देखो यहाँ पे भी पिलर्स हो गया था, ये जो पियर है
ये ढलाई हो गया है और यहाँ पे इस वाले पियर का ढलाई होगा। सही है। अब इस एरिया में जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेवियर्ड है, तो इसके इधर का जितना भी पिलर्स है, इस पर बस पियर लगने का बस काम बाकी है। बाकी सब तो हो गया और आयरन बीम्स तो सब अपना रेडी है। ओ, आगे एक ड्रिलिंग मशीन है। यस, यहाँ पे आई बटन पे और एक लिंक है जो यहाँ का जो काम हुआ था लास्टली, जो एक महीना पहले जो मैंने देखे गया था, उसका लिंक है। डू चेक इट आउट, तो एक आइडिया मिल जाएगा। ओहो, इतने बड़े बड़े गड्ढे। ऑल राइट, ये ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे है अभी और ड्रिल भी कर रहा है, दिख रहा है ना, घूम रहा है। वाह, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था ना कि नीचे पत्थर मिल गया था, तो वो पत्थर सबको तोड़ के उसके बाद यहाँ पे ड्रिल कर रहा है। और यहाँ तक का मेट्रो गली के पास तो पूरा दिख रहा है ना, मेट्रो गली, और ये सब पिलर्स हो गया है। भाई साहब, इधर से गाड़ी लेके आ रहा है यार, क्यों? अरे इधर का आदमी कैसे जाएगा यार? देखो बस भी लेके आ रहा है, ये सब बस को दे, देखो। हाँ, दिस इज यार, ये तो सही चीज़ नहीं है। तो मैं इधर से रिटर्न नहीं होऊंगा, है ना, मैं उधर से ही घुस जाऊंगा। और ये वाला इशू यहाँ से बचेगा बस जब फ्लाईओवर हो जाएगा तब। भाई यहाँ क्या खुला खुला दिख रहा है, और ये फ्लाईओवर, ये पिलर्स दिख रहा है, सिर्फ पिलर्स, लाइन से लाइन वहाँ तक सिर्फ पिलर्स। वाह, वो अब लग गया जाम। यार जाम है यार, इस तरफ तो पूरा गाड़ी रुका हुआ है, दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड। और देखो आधा तो ट्रैफिक यार, ये लोग रोक के रखा है। अब खुला रास्ता यहाँ पे, ओ क्योंकि यहाँ पे पहले ये दिया हुआ था ना, क्या बोलते हैं इसको, बैरिकेडिंग किया हुआ था, तो अभी बैरिकेडिंग नहीं है। और ये रहा पूरा नज़ारा, वाह सही है बस, सही है। ये पिलर्स हो गया है, अब इसका पियर का काम होगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पिलर हो गया है, पिलर 63, और इसके ऊपर पियर का ढलाई का काम होगा। सब छड़ बांधा जा रहा है ठीक गैलेक्सिया मॉल के ऑपोजिट में। क्या जैम का स्थिति है यार, अभी हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, वो पता चल ही रहा होगा। और बस पहुँच गए पिस्का मोड़। पिस्का मोड़ पे भी वैसा कुछ खास नहीं है, यही बस बीम सब है, गड़ सब है। प्रोग्रेस बस वैसा है, डीसल का जो कॉलोनी है राजेंद्र नगर, वहाँ पे क्या काम हुआ है वहाँ पे देखना बस ज़रूरी है। बस बाकी सब तो दिख ही रहा है एज इट इज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में लोग बिछाना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे भी चलो कुछ कुछ ये हो गया है, यहाँ पे ढलाई के लिए समझो आई गेस रेडी कर रहा है ये सबको। बारिश से बचने का अच्छा जगह हो गया ये। और यहाँ पे सपोर्ट देके रखा है ना, यहाँ पे ढलाई कर दिया क्या, पर मैं पता नहीं।
अच्छा ये छोटे वाले बीम में भी अपना ये कर दिया है, लगने वाला है। चलो इधर अब बारिश नहीं है, अब यहाँ तक तो अच्छा खासा ढलाई हो गया, अब इधर रोड चौड़ा कर रहा है, दिख रहा है नाली बन रहा है नाली, और कोड़ना भी चालू कर दिया। ये रहा जेसीबी से कोड़ना चालू, दिख रहा है ना धूल उड़ रहा है, पत्थर मिल गया। ओ उस तरफ से हम आए थे ना उस टाइम, देखो रोड चालू हो गया उधर से। चलो अब आगे का नहीं है, यहीं से टर्न ले लेंगे, लेट्स गो। बस यहाँ पे पीच वाला रास्ता नहीं हुआ है, नहीं नहीं ये तो काला रास्ता हो गया है, ये वाला काला रास्ता हो गया भाई साहब, वाह सही है। यहाँ से ऐसे एलिवेशन चढ़ के गाड़ी सब फ्लाईओवर में चढ़ेगा या उतरेगा, वाह। सही है यार, रातू रोड में भी काम थोड़ा सा स्लो ही लग रहा है अभी, और बारिश के वजह से थोड़ा तो हो सकता है। हाँ ये पियर का ढलाई करने के लिए इसको सेट कर रहे हैं। सही है, ऊपर में दिख रहा है ना सबको ये, वाह ये होता है काम। सॉलिड, यहां तक अगर रोड का हाल भाई साहब, ओहो हो, चलो यहाँ तक तो अच्छा अच्छा काम हो रहा है। आई गेस ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, क्योंकि वैसा कुछ खास काम नहीं हो रहा है या कुछ नया नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट नॉर्मल जो जो चीज़ें हो रही हैं। बट एज प्रोमिस्ड एवरी मंथ कांडा टोली एज वेल एज रातु रोड का फ्लाईओवर का क्या प्रोग्रेस हुआ उसका तो अपडेट देना बनता है, सो आई एम गोना गिव। मजा आ गया यार, आज हल्का फुल्का ये वेदर खराब था बट स्टिल ठीक है, हल्का फुल्का ड्रिजल हो रहा था। ओहो हो, चलो भाई और बस पिस्का मोड़ क्रॉस कर गए, और चलो सही है यार यहाँ तक काम बढ़िया ही हो गया है, और ये सब जो बाकी था ये सब का हो रहा है एज यूजुअल। अरे घुसा लो भाई, घुमा लो घुमा लो, अच्छा यहाँ पे ढलाई हो गया या होगा, नहीं नहीं अभी ठोक देते उसको। ओहो ये सबको तो हो ही गया, सही है। अब मेरा एग्जिट आने ही वाला है, और ये यहाँ तक का काम है भाई साहब, बस सही है। ओह चलो भाई भाई
अब आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। तो आज का व्लॉग बस रातू रोड का बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि कुछ नया कुछ लगा होगा देखने, एज इट इज़ कुछ हल्का फुल्का काम का प्रोग्रेस है। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं घर, बारिश फिलहाल रुक गया है। आई सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।